पबजी इज बैक। मोदी जी की ये मन की बात तो आप सभी ने सुनी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात से बल्कि अभी से हम पबजी गेम समेत 118 चीनी ऐप्स पर रोक लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में पबजी को बैन किया जाता है। इसके बाद पूरे देश में कितना हंगामा हुआ। पबजी बैन होने का सदमा बर्दाश्त ना होकर कितने पबजी पीड़ित युवकों ने आत्महत्याएं कर ली, ये सब तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा और टीवी में देखा होगा। पबजी हिंदुस्तान से चला गया और जाते जाते सैकड़ों युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करके चला गया। उन्हीं युवकों में से एक था श्यामल दास। दिन रात बस पबजी खेलता था। पबजी के किरदारों जैसे कपड़े पहनता था और उन्हीं के जैसी हरकतें करता था। मतलब श्यामल दास पबजी एडिक्ट था। मस्ती मस्ती में उसके दोस्त उसे पबजी कहकर पुकारते थे। पबजी बैन होते ही इस पबजी ने भी पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। कहते हैं कोई जुनूनी इंसान किसी जुनून की खातिर खुदकुशी करता है तो वो जुनून उसे चैन से मरने भी नहीं देता। श्यामल दास यानी पबजी के साथ भी यही हुआ। जिस शमशान में उसे जलाया गया था, उस शमशान का गार्ड उसके जुनून का पहला शिकार बना। अरे ये सिपाही वहाँ कौन खड़ा है? सुनिए सर, आप वहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही सिपाही गार्ड की तरफ मुड़ा, गार्ड का दिल दहल गया, क्योंकि उसके सामने पबजी का भूत खड़ा था। पबजी इज बैक। पबजी के भूत ने गार्ड के सीने में अपनी भूतिया बंदूक के सारे जलते हुए अंगार खाली कर दिए और गार्ड ऑन द स्पॉट भस्म हो गया। दुनिया वालों सुन लो, मोदी जी सुन लो, रोक सको तो मुझे रोक लो, क्योंकि पबजी इज बैक। एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा देती है। पबजी तो खुद आग बनकर आया था। धीरे धीरे उसके साथ उन बाकी युवकों की भटकती हुई खौफनाक आत्माएं भी जुड़ गई, जिन्होंने पबजी बैन होने पर आत्महत्याएं की थी। पबजी ने अपनी फौज तैयार कर ली। वो मोदी जी से पबजी बैन का बदला लेने आया था। देखते देखते आग ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया था और पूरा देश चैन से सो रहा था। जय पबजी, जय पबजी। फिर क्या था, किसी मिलिट्री की तरह पबजी पीड़ित भूतों की फौज आधी रात में तबाही मचाने सड़कों पर निकल पड़ी। सारा शहर सुकून से सोया था और अचानक बम गिरने लगे, गोलियां बरसने लगी, लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और गोलियों और बम का शिकार बनने लगे। ऊंची ऊंची इमारतें जमीन से लिपटने लगी। सारा शहर खून के आंसू रोने लगा और भूतों की टुकड़ी जश्न मनाने लगी। जय पबजी, जय पबजी। मोदी जी देख रहे हो ना, कैसे भाग रहे हैं आपके देशवासी। मारो, कोई भी बचने ना पाए, मारो। इस प्रकार रोज रात रोज नया शहर पबजी गैंग अपने अपने कब्जे में लेती और शहर को तहस नहस कर देती। लोग काफी डर गए थे और मोदी जी को पुकार रहे थे, मोदी जी बचाओ, हमारे क्या कसूर है, हम क्यों मारे जा रहे हैं, हम तो पबजी नहीं खेलते थे, अरे हमारे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है, मोदी जी, मोदी जी बचाओ। भूतिया पबजी गैंग को कंट्रोल करने के लिए पुलिस गई, नाकाम रही, आर्मी गई वो भी नाकाम रही और इस प्रकार पबजी गैंग का आतंक पूरे देश में फैल गया। ये नजारा देखकर मोदी जी दुखी हो गए। उन्होंने डिटेक्टिव करण को पबजी गैंग से समझौता करने भेजा। प्रेस के डिटेक्टिव करण भूतों से मीटिंग करने लगे। क्या चाहते हो? पबजी इज बैक, मोदी जी सुन रहे हो ना, 2 दिन के अंदर अंदर पबजी बैन हट जाना चाहिए, हर एक मोबाइल में बस पबजी चाहिए, नहीं तो आपके देश की खैर नहीं। ये सुनकर मोदी जी भी हैरान हो गए। सर, क्या पबजी को फिर से परमिशन दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करण। सर, रोज लोग मर रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। माना कि संकट की घड़ी है, आर्मी पुलिस सब नाकाम है, लेकिन करण मुझे मेरे देशवासियों पर पूरा भरोसा है। मेरा एक एक देशवासी हजारों सिपाहियों के समान है, चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है। ये सुनकर करण मुस्कुराता हुआ बोला, सर आप ही जाने अपने मन की बात। फिर क्या, मन की बात प्रोग्राम शुरू हुआ और मोदी जी देश को संबोधित करने लगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने कोरोना से मुकाबला किया है, तो ये भूत क्या है, दिखा दो इन्हें एकता की ताकत।
लॉकडाउन में घर बैठे बैठे दिए जलाने को कहा, आप मशाल जलाकर सड़कों पर उतर आए, तो अब क्यों घर में बैठे हो? मशाले जलाओ और जला दो सब भूतों को। उनका नारा है पबजी इज बैक, हमारा नारा होना चाहिए पबजी गो बैक। मोदी जी का भाषण सुनकर सारा देश खौल उठा और मशाले जलाकर सड़कों पर उतर आया। लोगों की एकता देखकर सारे भूत कांपने लगे। दूर रहो, दूर रहो, पास मत आओ। पबजी गो बैक, भारत माता की जय। लोग भूतों की तरफ बढ़ने लगे और भूतों को पीटने लगे, जलती मशालों से भूतों को जलाने लगे और देखते ही देखते सारे पबजी पीड़ित भूत जल गए और जलकर राख हो गए। भारत माता की जय। इस प्रकार देशवासियों ने एकता दिखाकर देश को खतरे से बचा लिया और पबजी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। मुंबई शहर में करीब करीब 50 किलोमीटर बाहर एक हाईवे के किनारे नागपाड़ा पुलिस चौकी थी। ये चौकी काफी सुनसान इलाके में खड़ी थी। एक इंस्पेक्टर और 2-3 हवलदार यहाँ तैनात थे। मानसी एक न्यूज रिपोर्टर थी। एक दिन उसे अननोन नंबर से एक कॉल आया। हेलो, हाँ नागपाड़ा पुलिस चौकी, जानती हूँ। क्या लेकिन आपका नाम? हेलो हेलो हेलो, सामने वाले ने कॉल कट कर दिया था। मानसी ने फौरन अपनी स्कूटी निकाली और शहर से बाहर हाईवे से होते हुए नागपाड़ा चौकी की तरफ निकल पड़ी। मानसी चौकी में आई तो 2 हवलदार गप्पे लड़ा रहे थे। मानसी को देखकर एक हवलदार बोला, जी मैडम कहिए क्या बात है। मानसी जानबूझकर नाटक करने लगी। अब जी वो मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है, हाईवे कितना सुनसान है ना, अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसके आने तक मैं यहाँ चौकी में बैठ सकती हूँ? जी मैडम जरूर, हम लोगों की सुरक्षा करने ही तो बैठे हैं यहाँ। मानसी एक कुर्सी पर बैठ गई और चोरी छिपके चौकी के चारों ओर नजरें घुमाने लगी। हवलदार फिर से अपनी बातों में खो गए थे। लगता है मुझे गलत टिप मिली है, शक करने लायक तो कुछ नहीं है यहाँ। मानसी ने देखा कि चौकी के अंदर एक छोटा सा लॉकअप था जो बिल्कुल खाली था। मानसी ने फौरन टिप देने वाले को कॉल किया और दबी आवाज में बात करने लगी। झूठ बोल रहा था तू, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, क्या रात में? अरे रात में क्या? लेकिन सामने वाले ने कॉल कट कर दिया था। तभी चौकी का इंस्पेक्टर आया और मानसी की तरफ देखने लगा। एक हवलदार ने उसे मानसी के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने मानसी से पूछा, कब आ रहा है आपका दोस्त? जी अभी उसका मैसेज आया है, वो हाईवे पर खड़ा है, मैं चलती हूँ। देखिए आपको डर लग रहा हो तो मैं आपके साथ एक कांस्टेबल भेज दूँ? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं, थैंक्स। मानसी वहाँ से निकली और हाईवे के किनारे आकर वहाँ छिपाई हुई अपनी स्कूटी लेकर शहर की तरफ निकल गई। रात का वक्त था, पूरा हाईवे सुनसान था। इंस्पेक्टर चौकी में अकेला बैठा था कि तभी हवलदार एक आदमी को पकड़ कर ले आया। सर ये हाईवे पर लेटकर लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा था। लॉकअप में बंद कर दो इसे, कल कोर्ट में पेश करेंगे। हवलदार ने लुटेरे को लॉकअप में बंद कर दिया। आधी रात बीत चुकी थी, लुटेरा लॉकअप में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने नोटिस किया कि लॉकअप के दरवाजे पर ताला नहीं था और चौकी में कोई भी नहीं था। है? अच्छा मौका है, निकल लेता हूँ। लुटेरे ने बाहर हाथ निकाल कर कैसे कैसे करके दरवाजा खोला और वो लॉकअप से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो चौकी से बाहर निकलने लगा, बाहर का नजारा देखकर उसके पैर अपने आप रुक गए और डर के मारे उसका पूरा बदन थरथराने लगा। बाहर हवलदार और इंस्पेक्टर भयानक भूतिया रूप में खड़े गप्पे लड़ा रहे थे। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? लुटेरा फिर से अंदर चौकी में आया और लॉकअप में जाकर दरवाजा बंद करने लगा और जो होना था वही हो गया। हड़बड़ी में दरवाजा बंद करते हुए दरवाजा लॉकअप से टकरा कर जोरदार आवाज हुई और सारे भूतिया पुलिस अंदर आ गए। खाकी वर्दी में वो भूत और भी ज्यादा भयानक दिख रहे थे।
भूत उसकी तरफ बढ़ने लगे और लुटेरा डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा। सर, सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर का भूत हंसते हुए बोला, होशियारी नहीं दिखाता तो कम से कम कुछ दिनों बाद छूट जाता, लेकिन अब तो तेरी जान तेरे जिस्म से छूट जाएगी। ये बात सुनकर बाकी भूत भी हंसने लगे और हंसते हंसते लुटेरे की तरफ बढ़ने लगे। बचाओ, बचाओ, मत मारो मुझे, बचाओ। लेकिन उस सुनसान हाईवे पर पुलिस चौकी में कैद उस बेचारे की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लुटेरा चिल्लाता रहा और अचानक शांत हो गया, क्योंकि भूतों ने अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन काटकर उसे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया था। जाओ और इसकी लाश को जंगल में दफना दो। अभी अभी तो हमारा भूतिया रूप खत्म होने में 2 घंटे बाकी है। ये पुराना सुनसान हाईवे है, तुम्हें कोई नहीं दिखेगा, जाओ। 2 हवलदार भूत उस लुटेरे की लाश को लेकर पुलिस चौकी के बाहर आए और एक पेड़ के पीछे छिपी हुई मानसी ने दोनों का भूतिया रूप देख लिया। मतलब वो खबरी सच कह रहा था। मानसी ने फौरन भूतिया हवलदारों को अपने कैमरे में कैद किया और फिर वो उनका पीछा करने लगी। भूतिया हवलदार लाश लेकर जंगल में आए और एक गड्ढा खोदकर उसमें लाश दफनाने लगे। मानसी एक पेड़ के पीछे छिपकर सारा फुटेज ले रही थी। ये फुटेज TRP के लिए नहीं, भोले भाले लोगों की जिंदगी के लिए। अब बस इंस्पेक्टर का फुटेज भी मिल जाए तो मैं ये सारा फुटेज कमिश्नर सर को दिखाऊंगी। फिर मानसी छिप छिप कर भूतिया हवलदारों का पीछा करते हुए पुलिस चौकी तक आई। चौकी के बाहर भूतिया इंस्पेक्टर खड़ा था। दफना दिया उसे? जी, वहीं दफनाया जहां हम सबको दफनाते हैं। मानसी ने कैमरे में इंस्पेक्टर को भी शूट किया। तभी 4 बज गए और सारी भूतिया पुलिस अचानक इंसानों के रूप में आ गई। मानसी ये भी शूट कर रही थी, वो काफी हैरान थी। दूसरे दिन सुबह वो कमिश्नर से मिली और उसने उन्हें सारी बातें बताई और सारा फुटेज भी दिखाया। तो कमिश्नर बोले, मानसी मैं जानता हूँ कि नाम पड़ा चौकी के सारे पुलिस भूत है। What? फिर भी आप उन्हें? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। वो भूत क्यों बने पता है? एक रात हाईवे पर ड्यूटी करते हुए उन पर भूतों ने हमला किया और उन्हें काट लिया। उसके बाद वो बेचारे भूत बन गए। लेकिन वो सिर्फ रात में ही भूत बनते हैं और दिन भर अच्छे इंसान और अच्छे पुलिस बनकर ड्यूटी करते हैं, ना घूस लेते हैं और ना ही अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं। नामपाड़ा का क्राइम रेट भी चेक कर लो, सबसे लो है। अब तुम ही बताओ, उनकी वर्दी उतार कर मैं ऐसे इंसानों को पहनाऊं जो कभी भी करप्ट हो सकते हैं, या फिर वो वर्दी उन्हीं को रहने दूं जो भूत बनकर भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं? समझ गई सर, डोंट वरी, ये बात बाहर नहीं जाएगी। ऐसा कहकर मानसी ने कमिश्नर के सामने ही सारा फुटेज डिलीट कर दिया। और इधर नागपाड़ा चौकी की भूतिया पुलिस दिन में इंसान बनकर और रात में भूत बनकर अपनी ड्यूटी सालों साल ईमानदारी से करती रही।